नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो दोस्तों इसे अभी पहचान लो। आने वाले अगले 48 घंटों में यह आपकी जीवन को बदल सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर एक देवी माँ आप सभी के घर चरण स्पर्श करवाने वाली है। तो दोस्तों, इन्हें आप बिल्कुल ही पहचानने में भूल ना करें और कोई भी यश में आप गलती ना करें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले 48 घंटों में आप सभी की जीवन काल में बहुत ही बड़े बदलाव आप सभी को देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, आपके प्रत्येक क्षेत्र में यह देवी माता बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। तो दोस्तों, यश में आपको कोई भी गलती ना करना है और इन्हें पहचानना आप सभी का दायित्व होता है। जी दोस्तों, अगर आप इन्हें पहचान लिए तो दोस्तों आप अपने नसीब को ही ढूंढ लेंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि कैसे आप 48 घंटों के अंदर इस देवी माता को पहचान सकते हैं और इस देवी माता के आशीर्वाद से आने वाले 48 घंटों में आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, आपके घर के माहौल में पारिवारिक में क्या क्या सुधार होने वाले हैं, प्रत्येक क्षेत्र में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय माँ दुर्गा। दोस्तों, माता दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल पर प्राप्त होगा और सभी संकट समस्याओं से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात से, जो कि दोस्तों आने वाले 48 घंटों में आपको याद रखने हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, इन बातों से आप सभी के जीवन काल में गजब की इच्छा शक्ति जागृत होगी। तो दोस्तों, इन्हें भी आप बहुत ही गौर से सुनिएगा कि दोस्तों, एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आसपास में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के सामने लोग शीश झुकाते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको यह बातें सच्ची लगी हो, इन बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों इनके लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, के साथ बात करते हैं कि आने वाली 48 घंटों के अंदर यह देवी महिला की आप पहचान कैसे कर सकते हैं और आने वाले 48 घंटों में आप सभी के जीवन काल में ये कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देवी महिला की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर सोते समय अगर आपको अपने सपनों में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो दोस्तों इनसे आपको समझ जाना है कि दोस्तों आपके घर में यह देवी का वास होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि अगले 48 घंटों के अंदर यह देवी माता आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, आपका सोच समझ कर निर्णय लेना और कोशिश करके अधिकतर काम स्वयं ही निपटाना आपको अवश्य ही अपने कार्यों में सफल करेगा। कोई रुका हुआ पैसा टुकड़ों में मिलेगा, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर ही हो जाएगी। इसको उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में सामाजिक क्रियाकलापों पर अवश्य ध्यान दें। ज़्यादा आत्मकेंद्रित होना भी मान हानि दे सकता है। कभी कभी किसी विषय पर गहराई से जानने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप कभी कभी किसी विषय को गहराई से जानने की आपकी इच्छा भी आपको अपने विशेष लक्ष्यों से भटका सकती है, तो दोस्तों यश में आपको इन सब चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इसको उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित बातों पर यश में आपका अधिक ध्यान बना रहेगा। पैसे से संबंधित तकलीफें को दूर करने के लिए आपकी कोशिश इसमें जारी रहेगी और इनकी वजह से किसी बड़ी समस्या का समाधान भी यश में आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यश में आप पर बने हुए कर्जे को दूर करने की आपकी कोशिश जल्द ही सफलता में बदलने वाली है। इसको उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि ग्रह गोचर आपके लिए उचित समय का निर्माण भी कर रहा है। आप अपनी सूझबूझ तथा बुद्धिमत्ता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को सफल आप कर पाएंगे।
दोस्तों किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद भी यश में आपके लिए बहुत ही उत्तम शब्द होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में ध्यान रखें कि बच्चे का अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है, मनोरंजन के साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी एकाग्रता रखना जरूरी होगा। दोस्तों यश में अपने गुस्से पर काबू रखें तथा गैर कानूनी कार्यों में ना उलझें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए मिला जुला ये जो समय है फल देने वाला समय होगा। दिन की शुरुआत में सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी आपकी कठिनाइयां बढ़ सकती है, काम आपका बढ़ सकता है। आपका विश्वास बनाए रखने के लिए आपको परिवार का खास व्यक्ति या फिर भाई का बहन का पूरा सहयोग मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से सफलता आपके नज़दीक आएगी। हर बात को गहराई से समझना आपका विशेष गुण रहेगा। आय के उचित मार्ग भी यश में प्राप्त होंगे। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ होने की भी योग बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में बदलते परिवेश की वजह से आप जो भी प्लानिंग किए हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बीमा या फिर निवेश संबंधी कार्यों के लिए जो समय है अनुकूल समय होगा। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों आपसी मेल मिलाप आपको यश में खुशी देने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अधिकतर समय घर से बाहर गतिविधियों में भी बीत सकता है, परंतु इसका कोई उचित परिणाम भी आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कोई भी नकारात्मक बात आपको व्यथित कर सकती है, इस बात पर ध्यान दें, जिसका असर आपके श्वास पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों इनको लेकर यश में आपको सचेत रहना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनोगे, दोस्तों आपको बता दें कि सेहत की तरफ ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। काम की बातें की वजह से आपकी भागदौड़ी बढ़ सकती है, परिवार से संबंधित जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बढ़ सकती है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ बातों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरूरत भी यश में आपको पड़ सकती है। करीबी लोगों से खुलकर मदद मांगने की आवश्यकता होगी, अवश्य आपको मदद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यावसायिक स्थल पर कुछ सुधार संबंधी परिवर्तन होंगे, उसमें वास्तु समस्त नियमों का अवश्य पालन करें। दोस्तों यश में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां होने की संभावना बन रही है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति का सलाह आप यश में अवश्य लें। इसके उपरांत दोस्तों मार्केटिंग व फिर सेल्स से संबंधित कार्यों को पूरे ना होने की वजह से यश में आपके ऊपर तनाव भी बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कार्यस्थल पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए तथा वर्तमान के कार्यों पर ही आपको ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। दोस्तों कर्मचारियों की गतिविधियों में संबंधित परेशानी खड़ी हो सकती है, परंतु दोस्तों तनाव लेने के बजाय समझदारी से हल निकालना आपके लिए ज़्यादा उचित होगा, तो इन पर ध्यान दें, इनसे दोस्तों आप समस्या का हल भी निकाल पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में खान पान से संबंधित व्यवसाय में धीरे धीरे सुधार आएगा। अपने काम की क्वालिटी पर और अधिक ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। ऑफिस में भी काम की जो है बहुत अधिक अधिकता रहेगी। ओवर टाइम भी आपको यश में करना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपको बता दें कि नई नौकरी की तलाश करने वालों को सफलता प्राप्त हो सकती है और कहीं पर आपको एक अच्छा नौकरी मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना आपको करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों अपने कार्य करने की प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की आपको जरूरत होगी। जल्दबाजी ना करके धैर्यपूर्ण कार्यों को संपन्न करें, दोस्तों ये आपके लिए उचित होंगे। यश में नौकरी में कोई प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। जो भी यश में नौकरी में जातक हैं उनके लिए समय चांदी ही चांदी रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में जीवनसाथी के साथ संबंध आपका मधुर बना रहेगा तथा घर परिवार की जरूरतों पर भी आपको ध्यान देना आपके लिए यश में जरूरी होगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि जाने अनजाने में पार्टनर के प्रति लापरवाह आप हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में इन सब चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका प्यार यश में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके उपरांत दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार पर आपका ध्यान नहीं होगा, जिसकी वजह से घर में अव्यवस्था भी रह सकती है। तो दोस्तों सब काम के साथ साथ आपको घर परिवार को भी समय देना चाहिए।
इसके उपरांत दोस्तों यशु में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगी, आपको बता दें कि दोस्तों यशु में पारिवारिक माहौल आपका खुशनुमा बना रहेगा। नई दिखी लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको तनाव मुक्त रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशु में आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ संबंध आपका मधुर बनाकर रखने में आपका योगदान जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में और अधिक यशु में मधुरता बढ़ने वाली है। इसके साथ दोस्तों यशु में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों यशु में अत्यधिक काम की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है। कुछ समय हल्के फुल्के मनोरंजन में भी व्यतीत करें और मेडिटेशन में भी अवश्य ध्यान दें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशु में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि गुस्से और उत्तेजना पर आपको काबू रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बढ़ सकती है, तो दोस्तों यशु में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी।